तस्वीरें देख रहे हैं आप, कर्नाटक दौरे पर हैं राहुल गांधी। काफी तादाद में यहां पर लोग जुटे हैं। तो दो दिवसीय कर्नाटक के दौरे पर है विजयपुरा में राहुल गांधी का ये रोड शो, रोड शो की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राहुल गांधी के रोड शो को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ कांग्रेस का झंडा लहराता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आज सुबह ही हुबली पहुंचे राहुल गांधी और यहाँ पर उन्होंने बागलकोट में कुदाल संगम पहुंचे, और क्योंकि ये लिंगायत समुदाय के लिए बहुत बड़ा तीर्थस्थल है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, सीधी तस्वीर मिशन कर्नाटका पर राहुल गांधी। आप सोचिए मिशन कर्नाटका कितना जरूरी हो जाता है, कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है पार्टी के लिए कि एक हफ्ते के भीतर भीतर राहुल गांधी दूसरी मर्तबा पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों का अभिवादन करते हुए और स्वीकारते हुए। राहुल गांधी रोड शो में काफी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हैं। कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी का ये रोड शो, रोड शो में उमड़ी है लोगों की भारी भीड़। कोशिश की जा रही है यहाँ पर लिंगायत समुदाय के लोगों को साधने की, अपने पक्ष में जोड़ने की। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जुटे हैं। छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया एक बड़ा संदेश देते हुए राहुल गांधी, और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। मतलब देखिए क्या जबरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। कर्नाटक के विजयपुरा में राहुल गांधी पहुंचे हैं रोड शो के लिए और एक अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है राहुल गांधी के रोड शो में लोगों की। तो बड़ा सवाल, क्या ये जो भीड़ उमड़ी है, जो जनता का प्यार यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या चुनाव में भी कांग्रेस को मिलेगा? विजयपुरा से ये रोड शो की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, मिशन कर्नाटका पर राहुल गांधी। एक हफ्ते के अंदर राहुल गांधी का ये दूसरा कर्नाटका दौरा है। फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं विजयपुरा से जहां पर रोड शो के लिए पहुंचे हैं राहुल गांधी। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे यहां पर कुछ देर में। फिलहाल तस्वीर देख रहे हैं आप किस तरह से छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर राहुल गांधी ने माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया। पार्टी के समर्थन में यहां पर नारेबाजी आप तस्वीरें देख रहे हैं। काफी तादाद में कार्यकर्ता भी जुटे हैं और कर्नाटक की जनता भी यहां पर जुटी है। कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स के साथ यहां पर आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी के कारवां में लोग जुड़ते जा रहे हैं। जाहिर सी बात है भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी काफी खुश हैं, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग बात है कि कई तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं, लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है, लेकिन बार बार राहुल गांधी ने यही कहा है कि वो कभी झुकेंगे नहीं। कर्नाटक के विजयपुरा से ये सीधी तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। विजयपुरा में राहुल गांधी का ये रोड शो चल रहा है। राहुल गांधी मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं। इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, विपक्ष को दबाने की कोशिश की जाती है। इस तरह के इल्जाम लगातार राहुल गांधी लगाते आ रहे हैं और बार बार यही कहा गया है कि कितनी भी साजिशें रची जाएं, कितने भी षड्यंत्र हो, हम आगे बढ़ते रहेंगे, जनता के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस बीच कर्नाटका पहुंचे हैं राहुल गांधी और एक हफ्ते के अंदर इनका दूसरा दौरा। राहुल गांधी आज सुबह 11 बजे ही हुबली पहुंच गए थे, यहां से वो बागलकोट पहुंचे कुदाल संगम के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कुदाल संगम कर्नाटक के प्रभावशाली समुदायों में से एक है, एक लिंगायत संप्रदाय के लिए बेहद खास तीर्थस्थल है। तो इस समाज को, इस संप्रदाय को साधने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिशन कर्नाटका के मद्देनजर।